बड़े बड़े बैरिकेड्स और कई लेयर की कंक्रीट से पूरी तरह जाम किए गए अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पर जिंदगी फिर से दौड़ने को तैयार है। किसान आंदोलन के चलते पिछले 22 दिनों से अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे को अम्बाला प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके चलते चंडीगढ़ से आवागमन करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और गाँव गाँव घूमकर सफर करना पड़ रहा था। ऐसे में अब अम्बाला पुलिस और प्रशासन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आया है। आदेश है ताकि इसको सिंगल लाइन, दोनों साइड से सिंगल लाइन खोल दो ताकि ट्रैफिक स्मूथली चल सके। सर कब तक हो जाएगा ये काम? सर 1.5-2 घंटे और लग जाएंगे। तो मतलब कल सुबह से रास्ते बिल्कुल दोनों तरफ एक-एक? हाँ, रात को ही खोल दें। आज शाम अम्बाला प्रशासन ने अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे को खोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल दोनों तरफ से हाईवे की एक एक लेन खोली जा रही है। हाईवे खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हाईवे पर लगे बैरिकेड्स को हटाने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटों से प्रशासन हाईवे से बोल्डर्स को पूरी तरीके से हटाने में कामयाब नहीं हो पाया। वैसे प्रशासन ने अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे को बोल्डर्स के जरिए बंद कर दिया था, जिसके बाद से लोगों को गाँव गाँव घूमकर चंडीगढ़ से आना जाना पड़ रहा था। लेकिन अब हाईवे खुलने से लोगों को काफी राहत मिली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अधिकारियों के आदेश पर अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे की एक एक लेन खोली जा रही है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।